ड्रग्स केस में बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और काफी दुखी भी है। अब खबर आ रही है कि जब तक आर्यन को बेल नहीं मिल जाती तब तक शाहरुख की फैमिली कोई भी त्योहार सेलिब्रेट करने के मूड में नहीं है। गौरी ने स्टाफ को मिठाई न बनाने की दी हिदायत। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी ने मन्नत में अपने स्टाफ से कहा है कि आर्यन जब तक घर वापस नहीं आ जाता तब तक घर में कोई मिठाई नहीं बनेगी। खबर ये है कि स्टार वाइफ को पता चला कि लंच के समय स्टाफ किचन में खीर बना रहा था और तभी उन्होंने तुरंत उन्हें रोका और आर्यन के रिहा होने तक कोई भी मिठाई ना बनाने की हिदायत दी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गौरी अपने बेटे की गिरफ्तारी से काफी परेशान है और वो लगातार उसके लिए दुआ कर रही है। दूसरी ओर शाहरुख ने इंडस्ट्री के अपने दोस्तों से अनुरोध किया है कि इस कठिन समय के दौरान मन्नत आने से बचे। शाहरुख इन दिनों फोन कॉल के जरिए अपने को स्टार्स और दोस्तों के संपर्क में है। गौरी ने 7 अक्टूबर से चीनी खाना भी छोड़ा। इससे पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि गौरी ने नवरात्रि के त्योहार के दौरान बेटे आर्यन के लिए लगातार प्रार्थना की है। ये भी बताया गया है कि 7 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू होने के बाद से गौरी ने चीनी खाना भी छोड़ दी है। बता दें कि 11 अक्टूबर को शाहरुख खान और गौरी ने बेटे आर्यन के लिए 4,500 रूपए का मनी ऑर्डर भेजा था। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।